खबर रीवा से है, जहां जिले भर में पंचायत राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के निर्वाचन की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मऊगंज एवं नईगढ़ी क्षेत्र का भ्रमण कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मऊगंज में राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि राजस्व और पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण करके कानून और व्यवस्था बनाए रखें, अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही लगातार करें, मतदान केंद्रों में बारिश को ध्यान में रखकर समस्त व्यवस्थाएं करवाएं, मतदान केंद्रों में पानी से बचाव, प्रकाश तथा सुरक्षा के उचित प्रबंध करें, मतदान दलों के ठहरने एवं भोजन की भी व्यवस्था करें, स्वसहायता समूहों के द्वारा भोजन तैयार कराकर मतदान दलों को पेमेंट के आधार पर आपूर्ति कराएं। कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर ऑफिसर अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर लें। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में मतदान दलों के साथ सेक्टर ऑफिसर भी शामिल रहें। मतदान दल चुनाव सामग्री प्राप्त करने के बाद चेक लिस्ट के अनुसार उनका मिलान कर लें। मतपत्रों की गिनती अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्र में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। सेक्टर ऑफिसर के साथ रिजर्व मतदान कर्मचारी भी रहेंगे। मतदान दल में यदि कोई कर्मचारी बीमार पड़ता है अथवा किसी कारणवश कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहाँ रिजर्व मतदान कर्मी तैनात करें। रूम चार्ट का भी सत्यापन कर लें। कलेक्टर ने मतगणना तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर जितनी कड़ी कार्यवाही की जाएगी, मतदान और मतगणना उतनी ही शांतिपूर्ण होगी। राजस्व तथा पुलिस अधिकारी अपना सूचना तंत्र मजबूत रखें। हर मतदान केंद्र के कम 5 स्थानीय कर्मचारियों अथवा जिम्मेदार नागरिकों के मोबाइल नंबर लेकर उनसे सतत संपर्क में रहें। कानून और व्यवस्था के संबंध में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्परता से कार्यवाही करें। चुनाव में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कठोरता से कार्यवाही की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण के दौरान गुंडा तत्वों, शराब के अवैध व्यापार में लिप्त तथा चुनाव के दौरान अशांति की मनसा रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में फीडबैक लेकर कार्यवाही की जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक लाल, SDM AP द्विवेदी, तहसीलदार दीपिका पाव तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।